Hey guys, welcome once again at Problem Solving Series, through C Programming, only at Coding Power. Let's begin. So, we are back once again with problem number 13. So, kya kehta hai hamara problem number 13? Check whether the given number is Penrom number or not. तो उससे पहले what is Penrom number? तो according to Penrom number, an integer is a Penrom number if the reverse of the given number is equal to the original number. Meaning कि अगर एक कोई number होगा उसका reverse अगर equal हो जाए तो Penrom number कहलाएगा, अगर reverse नहीं होगा तो Penrom number नहीं कहलाएगा. तो रिवर्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है सी प्रोग्रामिंग में, अगर आपको रिवर्स कैलकुलेट करना आता है तो फिर ये पेनड्रॉम नंबर का सवाल बस आपके लिए एक रिवर्स नंबर का सवाल हो जाएगा. तो रिवर्स नंबर का मतलब क्या, कि जो लास्ट में डिजिट रहती है उसको फर्स्ट में लाना रहता है, मिडिल वाली डिजिट मिडिल में ही चली आएगी और फर्स्ट वाली डिजिट को लास्ट में लेके चले जाना है, मतलब नंबर को रिवर्स कर देना है. तो नंबर को रिवर्स करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका होता है कि अगर कोई नंबर को आपको रिवर्स करना है तो उसके लिए बस एक तीन लाइन के सिंपल कोड्स होते हैं. सबसे पहले आप वो नंबर ले लो, मान लो मैं वो नंबर n लेता हूँ, वो नंबर को क्या करो मॉडुलस कर दो 10 के साथ. मॉडुलस कर देंगे अगर हम 10 के साथ और फिर उसमें क्या कर दो मॉडुलस करने, अगर मॉडुलस 10 का कर देते हैं तो हमें वंस प्लेस वाली डिजिट, ये जो वंस प्लेस वाली डिजिट है वो बाहर निकल के चली आती है क्योंकि वंस प्लेस वाली डिजिट को हमें फर्स्ट में लाना है. तो यहाँ पे वंस प्लेस वाली डिजिट निकल के चली आती है. उसके बाद क्या करेंगे, इसको कोई एक वेरिएबल x से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है. उसके बाद क्या करो n का डिवाइड कर दो 10 से, n का खुद से ही डिवीजन कर दो 10 से, मतलब n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10. और एक और काम, रिवर्स निकालने के लिए जो रिवर्स जो हो जाएगा, फिर मैं रिवर्स को आर ई वी से लिख रहा हूँ, तो रिवर्स हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स विल बी इक्वल टू रिवर्स आर ई वी इंटू 10 प्लस x. मैं आपको तीनों इंटीजर्स को अलग अलग लेके समझाता हूँ. मान लो कोई एक नंबर n, x और रिवर्स, ये हमने तीन चीज़ लिए हुए हैं, तीन वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है. तो पहले नंबर में क्या स्टोर है हमारा, 456, मतलब 456. तो मैं यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ 4, 5 और 6, ठीक है. x में क्या स्टोर होगा, जैसे ही नंबर का हम लोग मॉडुलस करेंगे 10 से, तो 456 का अगर मॉडुलस हम 10 से करेंगे तो 6 हमारा बाहर निकल के चला आएगा, ठीक है. 6 बाहर निकल के हमारा आके x में स्टोर हो गया. और उसके बाद क्या करना है, n का डिवाइड करा देना है 10 से. तो ये n में कितना, n में 456, अगर 456 को हम डिवाइड करा रहे हैं 10 से, मतलब 456 को अगर डिवाइड कराते हैं 10 से, तो यहाँ पे हमें मॉडुलस नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे डिवाइड लिखना है. तो दैट विल कम 45. तो हमारा जो n जो हो जाएगा वो 446 से ना हो के अब कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा. और उसके बाद r में, r बोले तो रिवर्स, रिवर्स में अब हमारा क्या स्टोर होगा, रिवर्स में क्या स्टोर होगा, रिवर्स में तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स. तो रिवर्स तो पहले हमारा जीरो है, तो जीरो इंटू 10 प्लस एक्स, तो जीरो इंटू 10 प्लस एक्स, तो जीरो इंटू 10 डेट विल बी जीरो प्लस एक्स. एक्स में हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्स में वैल्यू 6 आ चुकी है, तो रिवर्स में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा, ओके. उसके बाद से फिर से इसमें एक लूप लगा देंगे. अब ये इतने तीन जो फंक्शन बने हैं ना, ये यहाँ से लेके ये जो तीन फंक्शन बने हैं, इसमें अब बस लूप लगा देना है एक बार 4 के लिए, फिर से अब इसके बाद से फिर से वो काम करते हैं नंबर के लिए. नंबर को फिर से मैं स्टोर कराता हूँ, ये नंबर हमारे पास कितना बचा हुआ है, 45 को फिर से मैं ले गया ऊपर, यहाँ पे 45 को ले गया, 45 का मॉडुलस किया तो हमारे पास कितना एक्स में वैल्यू निकल के चला आया, 5, ठीक है. और रिवर्स हमारे पास वैल्यू कितनी स्टोर हो चुकी है, 6. तो यहाँ पे अब रिवर्स कितना हो जाएगा, रिवर्स कैलकुलेट करेंगे तो रिवर्स में हमारा था, रिवर्स को मैं अभी फिलहाल के लिए आर ई वी लिखता हूँ,
और पुराना वाला रिवर्स कितना था, 6 into 10 प्लस एक्स, दैट इज 6 into 10 हमारा हो जाएगा 60, और प्लस एक्स में हमारा कितना स्टोर है 5, तो प्लस 5 दैट विल बी 65। तो हमारा रिवर्स में कितना स्टोर हो गया, रिवर्स में हमारा स्टोर हो गया 65। और नंबर को क्या करना है, डिवाइड कराना है 10 से भी, ये भी काम कराना है। तो नंबर को 45 को अगर डिवाइड करा दिया 10 से, तो हमारे पास बच गया कितना, 4। ठीक है, 4 का फिर से मॉडुलस किया, 4 का मॉडुलस 4 ही चला आएगा। तो 65 into 10 प्लस 4 दैट विल इक्वल टू 654। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा रिवर्स नंबर प्रिंट हो चुका है, 456 से 654 हमारा प्रिंट हो चुका है। बस जैसे ही ये प्रिंट हो जाता है आपका काम खत्म हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, पहले स्टूडियो डॉट एच लगा दिया, एक मेन फंक्शन बना लिया, एक एन ले लिया, एक रिवर्स्ड एन ले लिया, एक रिमाइंडर ले लिया, और एक ओरिजिनल, इतने मैंने वेरिएबल्स ले लिए इन डेटा टाइप के। और यहाँ से मैंने एक नंबर को इंटर कराने के लिए इंटरफेस दिया है, दैट इज इंटर नंबर परसेंट डी एंड एन। और ओरिजिनल नंबर को मैंने, जो यहाँ पे नंबर इनपुट होगा, इसको मैंने ओरिजिनल नंबर एन में स्टोर करा दिया। ये जो एन यहाँ से जो इनपुट यूज़र करेगा उसको मैं ओरिजिनल नंबर में स्टोर करा दिया। और फिर से वही, ये इतने कोड मैंने रिवर्स नंबर को प्रिंट कराने के लिए आप लोगों को जो बताया, ये बस उतने ही कोड है। और इसमें लूप कब तक लगा दिया, जब तक कि एन की वैल्यू जीरो ना हो जाए। जैसे आप प्रीवियस स्लाइड में देखो, मैंने यहाँ पे कब तक लूप चलाया, अगर फिर से अगर यहाँ पे 4 तो आ गया था, 654 में नंबर अचीव हो गया था, लेकिन लूप लगाना है ना। तो 4 में जो 4 का अगर डिवाइड करेंगे कितने से, 4 का 10 से भी तो डिवाइड करना था यहाँ पे n, तो 4 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आने के बाद ये लूप ख़त्म हो जाता है, लूप बंद कर देना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे n इज़ नॉट इक्वल टू 0 करके, n अगर 0 नहीं होता है तभी तक ये लूप चलाओ। और उसके बाद से सिंपली इफ एल्स फंक्शन का लगा देंगे कि अगर ये जो रिवर्स n यहाँ पे जो नंबर कैलकुलेट होके चला आया है वो अगर ओरिजिनल n के बराबर हो गया तो पेन एंड रॉम नंबर होगा, नहीं तो पेन एंड रॉम नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये बस बहुत सा सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए @codinghalt, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे आपके लिए हमेशा नए नए प्रॉब्लम्स लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।